आवाज आ रही है हेलो मेरी, हेलो आनंद आवाज आ रही है आपको? ठीक आवाज आ रही है मेरे को गुरुजी। है बेटा, चलो हम आपकी पूछा शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? चौहान है मेरा नाम गुरुजी। आनंद चौहान आपका नाम है, आपके पिता का? अच्छा बेटा आनंद, पूछो बेटा आपके सवाल पूछो आनंद। गुरुजी मेरे को पहले आपकी आवाज कट गया आनंद, आपका नेट सही चल रहा है? चालू चालू है गुरुजी। तो बेटा आवाज बहुत कट रही है, थोड़ा सही से ना। देख आनंद, मैं पहले तेरे को ना कुछ चीजें बता रहा हूँ, ठीक है? मुझे जवाब देना, ये पूछा पे चढ़ा है मेरे, ठीक है? आपके घर के अंदर में मेरे को परेशानी दिख रही है, तो एक माता की दिख रही है, साथ ही साथ के अंदर में कुछ आत्महत्या समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है? जैसे किसी ने आत्महत्या कुछ कर रखी है। इसके अलावा घर के अंदर में साधक पद्धति को किसी ने छेड़ रखा है। कोई लड़का है जो अध्यात्म रूप से आगे बढ़ना चाहता है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है, जगह जगह जा रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों का नाम शामिल हो रहा है, ठीक है? तो बेटा मुझे सबसे पहले ये बताओ मेरा कि घर के अंदर ये आत्मनिधन करने वाला कौन है? बड़ा भाई है गुरुजी, मेरा कौन है? बड़ा भाई है। आपका बड़ा भाई है, ठीक है? तो और बेटा ये बताओ, ये कौन है जिसके ऊपर माता की शरण बन रही है? मैं हूँ गुरुजी, मैं फोन किया, अच्छा, मैं ही तो हूँ। आप ये जो अध्यात्म के रास्ते में भटक रहे हो, मैं ही हूँ गुरुजी। अच्छा, लेकिन बेटा आपके घर के अंदर तो जो तंत्र मंत्र का माया जाल तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और साथ ही साथ आपके जो इष्ट और जो कुल देवी है ना, इनका घर पे प्रकोप चल रहा है काफी सालों से। लगभग हो गया ये प्रकोप चलते हुए, हो गया आज 40-44 साल से ज्यादा हो रहा है। साथ ही साथ आपके जो दोनों ब्रदर्स है ना, आपके ब्रदर्स के साथ में कुछ गलत हो रखा है, ठीक है? उनकी बुद्धि के साथ छेड़खानी करके और उन्हें गलत चीजों में डाल के आपके भैया का आत्महत्या करवाई गई है। इसके अलावा ये दिखता है कि आपका जो घर है, ठीक है, घर के अंदर में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, बार बार कोई ना कोई परेशानी खड़ी होती जा रही है, जिसके लिए आपको मतलब बहुत ज्यादा पेशेंस आप रख रहे हो लेकिन फिर भी आपका कुछ हो नहीं पा रहा है। साथ ही साथ रास्ते और भटकते जा रहे हो, फैल रहे हैं आपके रास्ते, आपको रास्ते बदलने पड़ रहे हैं बार बार। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन आपको सही वजह नहीं मिल रही कि मेरे घर के अंदर चल के आ रहा है। अच्छा, इसमें किसी भगत ने आपको ये, अच्छा एक बार बताओ, ये किसी नाथों के भगत के पास गए हो क्या आप? मैं दत्त महाराज को जाता हूँ गुरुजी। अच्छा, आप दत्तात्रेय महाराज को जाते हो, ठीक है? बेटा आपके घर के अंदर 2012 में क्या हुआ था? 2012 में ऐसा कुछ नहीं, याद में नहीं है गुरुजी मेरे को। बेटा इस समय में आपके घर पे कोई भिक्षा मांगने वाला इंसान आया था क्या? नहीं गुरुजी, थोड़ा दिमाग लगा इस चीज को ढूंढ के, कोई इंसान भिक्षा मांगने के लिए आया है और किसी घर के एजेड बंदे ने उसको भिक्षा दी है? भिक्षा समझते हो? आपको मालूम है ना, तो किसी एजिड बंदे ने इसको भिक्षा दे रखी है, शनिवार वाले दिन दी है, समय है 10:14 पे दे रखा है। और इस इंसान को जिसने भिक्षा दी है, ये कोई घर का बड़ा है। वो बड़ा भाई बड़ा भाई है, हाँ है। हाँ जी, बेटा, ये तो आपके घर के अंदर से बरकत उतार कर ले गया है। ओके, हाँ, ये बरकत उतार के ले गया है। साथ ही साथ में अच्छा एक चीज और दिखती है, आपके घर के अंदर में किसी के मतलब किसी इंसान से कोई मन मटाव चल रहा था क्या, कोई किन्नर विन्नर से? किन्नर से तो गुरुजी, लेकिन एक भगत के पास गया था मैं, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तेरे शरीर में देवी माता आने वाली है। तो वो किन्नर थे? अच्छा, लगता शायद, तो लगता है मेरे को किन्नर है करके, लेकिन लोग बोलते कि किन्नर नहीं है वो। लेकिन वो किन्नर है, हैं? वो लड़का है, मतलब आपकी उम्र का लड़का ही है। अच्छा,
क्योंकि बाबा भी यही कह रहा है, कह रहा तुम किसी किन्नर के पास मतलब किसी तरह का कोई मनमुटाव हुआ है वहां से। अच्छा तो वहां क्या बात हुई आपको लेके? मैंने बोला उनको गुरु जी कि ऐसा मेरे को कुछ सच्ची नहीं लगता है। मैं उनको पूछा कि फूल पेल डालने का कि ऐसा मेरे को किसी का विश्वास नहीं बैठ रहा है कि देवी माँ के हाथ में उन्होंने फूल लगाया था, तो वो फूल नीचे तेरे शरीर में देवी माता आने वाली है। तो मेरे को मैंने उनको पूछा कि मेरे को ऐसा सच नहीं लगता गुरु जी ऐसा करके। हाँ अच्छा जी, तो ये बोल के और तुम आ गए नहीं उनको ये भी वापस? बात बोला मैंने कि दत्त महाराज के उधर गया था, तो वो महाराज बोले कि कौन सी देवी माता कोई देव शरीर में नहीं आता है। हाँ, तो ऐसा मैं उनको पूछा था कि ये सच है कि झूठ है, इसलिए मैं उनको पूछ। नहीं बेटा, ये जो माता ये कह सकते हैं, देखो आपकी माता पहले शरीर में नहीं आती, ठीक है? किसी इंसान ने छेड़छाड़ी कर दी है तुम्हारे शरीर के साथ में, जिसके वजह से तुम्हारे शरीर के अंदर में गलत रूप से माता ने प्रवेश करके घर के अंदर में उधम काट रखा है। आपके ब्रदर की डेथ कब हुई थी? मेरे को लगता है 1.5 महीना हो गया गुर्जा जी। 1.5 महीना हो गया है और ये तो बहुत हाँ ज्यादा रायता देख, फैला है। अच्छा आप एक बात बताओ, आपके घर के अंदर में 2019 के अंदर, ठीक है, किसी तरीके का कोई मैटर हुआ था, इसके बारे में बताओ आप बेटा। गुरु जी मेरा और मेरे भाभी का झगड़ा था पहले से ही। हाँ अच्छा ये झगड़ा था, जी, ठीक है। आपके ब्रदर के अलावा और कौन एक्सपायर हुआ है बेटा? मेरा मामा एक्सपायर हो गए और मामा की माँ भी एक्सपायर हो गई है। हाँ अच्छा ये दोनों भी एक्सपायर हुए हैं। अच्छा तुम्हारे परिवार के जी, अंदर में कोई बंदा था जो गद्दी लगाता था पहले, उसके बारे में बता सकते हो आप? मेरे परिवार के अंदर बंदा नहीं है, मेरे मतलब माँ की माँ गद्दी लगाती थी। हाँ माँ के माँ गद्दी लगाती थी, पीढ़ी दर की गद्दी हो गई, जी, ये हो गया। बेटा ये घर में कोई है जिसके ऊपर शीश सवारी भी आती है, ठीक है, इसके बारे में बताओ कि शीश सवारी वाला कौन है? शेर सवारी वाला तो किसी को हमारे घर में तो कोई किसको नहीं आती है गुरु जी, क्योंकि मेरे को ये बताया है कि मेरे ऊपर ही आने वाली है। हाँ नहीं, ये पहले आती थी बेटा, ये पहले आई हुई सवारी है और पहले से ही चल रही है किसी के साथ में। आपके परिवार के अंदर में कोई लेडीज खेलती है क्या? नहीं, हमारे इसमें कोई नहीं खेलती लेडीज। पहले खेलती थी कोई? नहीं, मेरे मेरे पापा जी को पूछा मैंने, मेरे माँ को पूछा है कि आपने अपने घर में पर्दी है क्या? पर्दी है, तुझा भवानी की पर्दी बोलते हैं लोग, पर्दी है आपके घर में? तो मेरे मम्मी भी और पापा भी बोलते हैं हमको जब से मालूम है तब से अपनों को पर्दी ही नहीं है। हाँ अच्छा तो ये चीज तो बेटा सही बोली उन लोगों ने, क्योंकि पर्दी तो है लेकिन घर में अभी तो ये गलत रूप में, लेकिन पहले में ये जो सवारी है ना ये आती थी किसी फीमेल पे, इनफैक्ट वो जिंदा है जिस पे आती थी वो अभी भी आ रही है। हो सकता है तुमसे ये बात छुपा रखी हो, बट कोई है आपके परिवार के अंदर में, ठीक है, और वो फीमेल आज भी खेलती है, अगर वो चाहे तो उस पर देवी आती है, ठीक है। इसने आपके घर के अच्छा अंदर में सबका बेड़ा गर्क करके रख रखा है, इसका परिवार में मनमुटाव सभी से ही लगभग चलता रहता है। आपके घर के अंदर में जो क्रिया हो रखी है, ठीक है, सबसे ज्यादा क्रिया तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन जो हम देखेंगे कि आपके घर के अंदर 2008 यानी 2008 के अंदर में 8 पूरा होने के, यानी कि 8 जब खत्म होने को था ना, ठीक है, तब आपके घर के अंदर में किसी लेडीज ने किसी चीज का इस्तेमाल करके घर के अंदर में एक देवता घुसाया है जो अपने आप को लगड़बक्का कहता है, ठीक है। ये कह रहा है कि मैं देहाती देवता हूं, मैं भूमिया दादा के साथ चलता हूं और मैं इनके घर का बुरा करता हुआ जा रहा हूं। ऐसे ही करते करते मैंने इनके घर के अंदर कई हादसे कर दिए। 2011 12 12 के अंदर भी मैंने इनके घर में परेशानी खड़ी करी थी, एक भिक्षा वाला इंसान आया था जिससे मैंने उनकी जादूगरी उतरवा दी थी, उसकी बुद्धि फेर के। मैं बुद्धियों को फेरता हूँ, गलत चीजें करवाता हूँ, सुसाइड अटेम्प्ट करवाता हूँ। इसके बाद घर के अंदर जो सबसे ज्यादा परेशानी उठ के आई है आपके 2014 से शुरू होकर 2017 में जाके पड़ी, जहां पे आप लोगों को पितृ दोष लग चुका था। पितर दोष के बाद में आपके घर के अंदर में भक्ताई वाला मैटर शुरू हो गया, भक्ताई क्या लेके इर्द गिर्द भटकने लगे। 2000 के बाद ये ऐसा मान के चलो 2018 के बाद आपके घर के अंदर इस देवता को दोबारा छोड़ा गया और उसके बाद से ही आप लोगों की बुद्धि पे चल रहा है, ठीक है, जिसने आपके भाई का सुसाइड अटेम्प्ट करवाया। साथ ही साथ में किसी किन्नर का दोष है जो आपके पीछे पहले से ही पड़ रहा है, जिसका मनमुटाव आपसे चल ही रहा है, ठीक है। अब कहानी का रायता जो है आपसे ज्यादा फैल चुका है। गुरु जी, लेकिन किन्नर का मैटर कब से मतलब मेरे पीछे पड़ा है? ये बेटा ये जो आपने भगत वाली बात करी है, बाबा ने भी एग्जैक्टली यही चीज बोली थी कि हाँ कोई है भगत ही है, ठीक है, हो सकता है कि आपकी कुछ बातों से बुरी लग गई हूं।
लगी है, मेरे को ऐसा शायद लगता है बुरी लगी है ठीक है, उसको। तो बुरी लगी तो इसने माता को जो बचा कुचा था रोग और फैला दिया है। आपके घर के अंदर